जी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित तौर से उस पर उनको रोकना चाहिए। और हम सब लोग मंगल कामना करते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की हम लोगों ने, और दुनिया में इंडिया का नाम आगे है और आगे हो। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम लोग कांग्रेस कार्यालय में हैं, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। बता दें कल टीम इंडिया का फाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और टीम इंडिया की जीत के लिए कांग्रेस कार्यालय में यज्ञ किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आएंगे, इस यज्ञ में मौजूद रहेंगे। जी है, तब तक कोई बदलाव देखने को मिला है इतिहास देखें तो क्या लगता है इस बार भी टीम इंडिया फाइनल में पहुंच रही है तो बदलाव? निश्चित तौर से इंडिया टीम प्रचंड बारी से जीते, इंडिया की जीत हो, और हम सब लोग मंगल कामना करते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की हम लोगों ने, और दुनिया में इंडिया का नाम आगे है और आगे हो। और निश्चित तौर से आज जिस तरीके से यहाँ पर आज हम लोगों ने प्रार्थना किया है, जो हम लोगों ने यज्ञ किया हमारे कांग्रेस के सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, हम सब लोग ये प्रार्थना किए भगवान से, यही मांग मना रहे हैं कि भारी से भारी प्रचंड पारी हमारी हो और जिसमें इंडिया जीते। क्या लगता है जिस तरह से इंडिया जीत रही है वैसे इंडिया गठबंधन भी जीतेगा? निश्चित इंडिया जीत रही है, आगे बढ़ रही है, हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ से, महादेव से प्रार्थना हम लोगों ने किया कि उनको भारी जबरदस्त तरीके से जीत हो और पूरे दुनिया में हिंदू अपने इंडिया का नाम रोशन। उत्तर प्रदेश से सभी बिलोंग करते हैं, शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कैसे देखते हैं? अमरोहा से हैं, यूपी से हैं। मैं अपने सभी खिलाड़ी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, शमी को, अपने विराट कोहली को, शर्मा को, सबको शुभकामनाएं। खूब अच्छा खेल रहे थे और आगे खूब अच्छा खेले। नहीं, वो उन जो 69,000 शिक्षक हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनको तत्काल लोग नौकरी पर रखें, उनको परेशान न किया। निश्चित तौर से इंडिया जीते उसमें हम लोगों ने कामना की है। ये क्यों जो सनातन धर्म को लेकर के एक तरफ आते स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान, निश्चित तौर से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश यादव जी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित तौर से उस पर उनको रोकना चाहिए। एक सवाल और, अभी योगी सरकार ने हलाल जो बीज होता है उसको लेकर के बैन और उस पर सख्ती करने की बात कही, ये तो इनका काम है, कभी बैन करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी 450 का सिलेंडर देंगे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश के लोगों को कब मिलेगा? केवल और ये सब चीज़ों पे जनता को गुमराह न करें। जनता की जो मांग है, आज उत्तर प्रदेश को 450 में सिलेंडर कब मिलेगा, ये पूरे प्रदेश की जनता जानता चाहती है। देखिए, कांग्रेस की ये पहली परंपरा नहीं है, न ये पहला आयोजन है। निरंतर कांग्रेस जो है धर्म में विश्वास करती है, धर्म में अपनी आस्था रखती है, धर्म की बात करती है, लेकिन हम वो धर्म की बात नहीं करते जिसको हमारा अपोजिशन की पार्टी करती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं वो धर्म को नहीं मानता जो धर्म हमको प्रधानमंत्री बनाता है, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो धर्म हमें मुख्यमंत्री बनाता है, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो हमें MP MLA बनाता है। धर्म हमारा आवाज है, धर्म हमारा सोच है, धर्म हमारा कर्म है, और धर्म जो है देश का सद्भाव है, धर्म जो है देश का मिल्लत है, देश की विधा है। सर, कल मैच है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, 5 बार से फाइनल में आ चुकी है, क्या लगता है टीम इंडिया जीत का परचम लहरा? देखिए, हम अपने टीम इंडिया को मैं बधाई देता हूं और अपने राम से निवेदन भी करता हूं कि इनको शक्ति दें कि भारत का गौरव दुनिया के मानक पर स्थापित करने के लिए एक नई तकनीकी का वहां एडाप्ट हो और दुनिया के मानक पर भारत का एक अलग पहचान कायम हो। मैं इस टीम के लिए ये कामना करता हूं। अब मुझे विश्वास है अपने टीम के प्लेयरों पर कि निश्चित भारत की पहचान दुनिया के मानक पर
लहराएंगे। जब इंडिया फाइनल में आया है तब तक राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिला है, वो चाहे इंदिरा गांधी का जमाना हो चाहे अटल बिहारी का जमाना हो, क्या लगता है इस बार भी इंडिया फाइनल में आया है बदलाव होगा राजनीतिक? निश्चित निश्चित बदलाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का 2014 में जो इसका स्थान था वहां जाकर के खड़ा होगा और इंडिया का सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मुझे यकीन है। तो जिस तरह से लगातार हमने कांग्रेस पार्टी में, जिस तरह से कांग्रेस कार्यालय में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ किया गया, भव्य यज्ञ था, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और तमाम लोगों से हमने बात की है, अब देखने वाली बात ये होगी कि कल फाइनल में क्या होता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।